माँ शक्ति की आराधना उपासना का पर्व नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगत जननी माँ अम्बे की विभिन्न रूपों की उपासना आराधना पूरे 9 दिन भक्ति भाव से की जा रही है। नवरात्रि का पर्व इंदौर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंदौर के गुजराती कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने 2 दिवसीय अनूठे गरबा रास का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राएं पारंपरिक रंग बिरंगे परिधानों और वेशभूषा में मां शक्ति की आराधना की। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सिंघल ने बताया कि हम यह प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं, जिससे कि छात्र छात्राएं अपनी संस्कृति व धर्म को पहचाने। गुजराती समाज के समस्त विद्यालय महाविद्यालय में नवरात्रि पर्व में इस तरीके के गरबे का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र छात्राएं बड़े उत्साह और उमंग के साथ भाग लेती हैं और माता की आराधना करती हैं। छात्रों का कहना है कि हम इस गरबा उत्सव के लिए कई दिनों से तैयारी करते हैं और अपने मित्रों के साथ इस गरबा उत्सव को एंजॉय करते हैं। कॉलेज की छात्राओं ने गरबे के माध्यम से छात्राओं ने सुरक्षित पर्यावरण कितनी उम्र पर गरबे की है, साथ ही प्लास्टिक मुक्त समाज व पानी बचाओ के संदेश के विभिन्न स्लोगन के माध्यम से दिया। गरबे में छात्राओं ने स्त्री शिक्षा तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विचारधाराओं को प्रमुखता से स्थान दिया। MKGS गुजराती गर्ल्स कॉलेज कुछ नया करने में बहुत फेमस है और इस बार लड़कियों ने कल संदेश दिया था, सेव अर्थ सेव ट्रीज सेव वाटर और प्लास्टिक मुक्त शहर प्लास्टिक मुक्त भारत, उसका संदेश दिया था। उसके लिए पोस्टर्स बना के उन्होंने अपने पीठ पर कमर पे हाथ में लगा के उन्होंने ये प्रदर्शन करा कि माता की भक्ति तो अपनी है ही, किंतु उसके साथ में ये भी होना बहुत ज़रूरी है